नमस्कार, मैं हूं अश्विनी मंगल और आप सभी का एस्ट्रो तक में बहुत बहुत स्वागत है। शनिदेव की वजह से कई बार हम अपने कार्यों को करते हैं लेकिन विलंब हो जाता है, कई बार नुकसान होता है, दिक्कतें आती हैं, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ खास उपाय और ऐसे अचूक उपाय जिन्हें करके न केवल आप अपने जीवन के विलंब को दूर कर पाएंगे, शनि की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं वो दिक्कतें दूर कर पाएंगे बल्कि धनी भी हो जाएंगे। तो शनि बनाए धनी, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यदि जन्मपत्री में आपकी शनि आपका अच्छा नहीं है या कार्यों में विलंब होता है और मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती है, रोग और कष्ट आपको परेशान करते हैं, लेकिन कुछ सरल उपाय करके आप शनि देव को प्रसन्न कर सकते हैं। तो जानेंगे राशि अनुसार इन खास उपायों को। तो शुरू करते हैं मेष राशि से। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, काली दाल का दान जरूर करें और बजरंग बाण का पाठ भी करें। ऐसा करके बहुत जल्दी लाभ होगा और शनि देव प्रसन्न होंगे और आपको धन की प्राप्ति जरूर होगी। बात करते हैं वृष राशि से। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परस्वाह यद भद्रम तन आसो, शनि देव के इस विशेष मंत्र का जाप करें, इससे बहुत जल्दी लाभ होगा। क्रिस्टल के श्री यंत्र की पूजा करें और गले में क्रिस्टल की माला भी धारण करें, इससे आपको धन प्राप्त होगा और ऋण आपका दूर होगा। और अब बात करते हैं मिथुन राशि की। ओम प्राम प्रीम प्रम से शनेह नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए, शनि देव का ये बीज मंत्र है, इस मंत्र के जाप से शनि देव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। किन्नरों को भी दान करें और हरे चारे का दान करें, छाया पात्र जरूर करें। अब छाया पात्र कैसे करना है, लोहे की कटोरी में सरसों का तेल डालें, उसमें अपना फेस देखें और कटोरी समेत दान कर दें, इस दान को करने से आपको लाभ होगा और शनि देव प्रसन्न हो जाएंगे। और अब बात करते हैं कर्क राशि। घर में आप पारद शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं, पूजा आराधना कर सकते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करें, सरसों के तेल का दान करें, इस दान को करने से शनिदेव प्रसन्न होंगे और आपके कार्य बनेंगे। और यदि आपकी राशि सिंह राशि है तो वृद्ध आश्रम में जाकर सेवा जरूर करें। ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनि नमः, शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करें और साथ ही साथ शेरावाली माँ की पूजा जरूर करें। वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करें क्योंकि इससे भी शनिदेव जो है प्रसन्न होते हैं अगर अच्छी वाणी बोली जाती है। और अब बात करते हैं कन्या राशि की। बंदरों को गुड़ चरा खिलाएं और भैरव बाबा की पूजा आराधना जरूर करें, लोहे का दान यथाशक्ति अनुसार जरूर करें, शनिदेव आपको धनी बनाएंगे। और बात करते हैं तुला राशि की। उड़द की आटे की रोटी बनाकर आप दान कर सकते हैं, कंबल और सतनाजा का भी दान कर सकते हैं, छाया पात्र का भी दान कर सकते हैं, इस तरह से आप अपने आप को शनिदेव के कष्टों से बचा सकते हैं और धनवान बन सकते हैं। और बात करते हैं वृश्चिक राशि की। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, तो चोला चढ़ाने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है, चमेली का तेल, हनुमान जी का संदूर और चांदी का वर्क। इन तीनों चीजों को ले जाकर हनुमान जी को अर्पित करें और साथ ही साथ लोभान युक्त बत्ती से सरसों के दिए में डालकर आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। संध्या के समय पीपल के वृक्ष के नीचे यदि ये दीपक जलाते हैं तो बहुत जल्दी लाभ होता है और जल्दी ही आप धनवान बन सकते हैं। और अब बात करते हैं धनु राशि की। कच्चे धागे को 7 बार पीपल के पेड़ पे लपेटें, भोजन स्वरूप उड़द के आटे का बना हुआ भोजन और तेल में पकी हुई वस्तु शनिदेव को भोग लगाकर काले कुत्ते या फिर किसी गरीब को दें, ऐसा करके आप बहुत जल्दी धनवान बन सकते हैं। और अब बात करते हैं मकर राशि की। ये खास उपाय है आपके लिए क्योंकि आपकी राशि का स्वामी शनिदेव स्वयं है, इसलिए 7 शनिवार को 7 बादाम लें तथा काली उड़द की दाल लें, किसी धार्मिक स्थान पर आप इसको दान कर सकते हैं या फिर अर्पित कर सकते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनि नमः, इस मंत्र का जाप करें, इससे आपको बहुत जल्दी लाभ होगा और शनिदेव आपको धनी बनाएंगे। और बात करते हैं कुंभ राशि की। भोजन से पूर्व एक बर्तन में भोजन काले तिल या फिर लौंग मिलाकर पश्चिम की ओर मुख करके आप पीपल के पेड़ में डाल दें। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करें, इससे बहुत जल्दी आपको लाभ होगा। और बात करते हैं मीन राशि। 11 बादाम लें, केसर का तिलक लगाकर
बहते जल में प्रवाह कर दें। शनि स्त्रोत का पाठ करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, शनि आपको धनी जरूर बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।